फसा तथा खमीर रहित रोटी के उत्सव के लिए मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। प्रधान याजक तथा शास्त्री इस खोज में थे कि मसीह यीशु को पकड़कर गुप्त रूप से उनकी हत्या कर दें, क्योंकि उनका विचार था उत्सव के समय में नहीं अन्यथा बलवा हो जाएगा। मसीह यीशु बैथनिया नगर आए। वहाँ वो पूर्व कोढ़ रोगी शिमोन नामक व्यक्ति के घर पर भोजन के लिए बैठे थे। एक स्त्री वहाँ संगमरमर के बर्तन में शुद्ध जटामासी का अत्यंत कीमती इत्र ले आई। उसने उस बर्तन को तोड़ वो इत्र मसीह यीशु के सिर पर उंडेल दिया। उपस्थित अतिथियों में से कुछ क्रुद्ध हो आपस में बड़बड़ाने लगे। क्यों कर दिया इसने इस इत्र का फिजूल खर्च? इसे 300 दिनार से भी अधिक दाम पर बेचकर वो राशि निर्धनों में वितरित की जा सकती थी। वे उस स्त्री को इसके लिए डांटने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, छोड़ दो उसे, क्यों सता रहे हो उसे? उसने मेरे लिए एक सराहनीय काम किया है। जहां तक निर्धनों का प्रश्न है, वे तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे। तुम उनकी सहायता तो कभी भी कर सकते हो, किंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जो उसके लिए संभव था वो उसने किया है। उसने मेरी देह का अभिषेक मेरे अंतिम संस्कार से पहले ही कर दिया है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। सभी संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री की याद में इसके इस सुंदर कार्य का वर्णन भी किया जाता रहेगा। तब कार्योत्वासी यहूदा ने, जो 12 शिष्यों में से एक था, मसीह यीशु को पकड़वाने के उद्देश्य से प्रधान पुरोहितों से भेंट की। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे धनराशि देने का वचन दिया। इसलिए यहूदा इस अवसर में रहने लगा कि वो किसी प्रकार किसी सही अवसर पर मसीह यीशु को पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के उत्सव के पहले दिन, जो फसा बलि अर्पण की बेला होती थी, शिष्यों ने मसीह यीशु से पूछा, हम आपके लिए फसा कहाँ तैयार करें? आपकी अभिलाषा है क्या? इस पर मसीह यीशु ने अपने 2 शिष्यों को इस निर्देश के साथ भेजा, नगर में जाओ, तुम्हें जल का मटका ले जाता हुआ एक व्यक्ति मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना। वो जिस घर में प्रवेश करेगा उसके घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है मेरा अतिथि कक्ष कहाँ है, जहां मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊं। वो स्वयं तुम्हें एक विशाल तैयार तथा सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखा देगा। हमारे लिए वहीं तैयारी करना। शिष्य चले गए। जब वे नगर पहुंचे, उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा प्रभु ने उनसे कहा था, और वहां उन्होंने फसह तैयार किया। संध्या होने पर मसीह यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ वहां आए। जब वो भोजन पर बैठे हुए थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं। तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मेरे साथ धोखा करेगा। अत्यंत दुखी हो वे उनसे एक एक कर ये पूछने लगे, निसंदेह वो मैं तो नहीं हूं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, है तो वो 12 में से एक, वही जो मेरे साथ कटोरे में रोटी डुबो रहा है। मनुष्य के पुत्र को तो जैसा कि उसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है जाना ही है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो मनुष्य के पुत्र के साथ धोखा करेगा। उस व्यक्ति के लिए सही तो यही होता कि उसका जन्म ही ना होता। भोजन के लिए बैठे हुए मसीह यीशु ने रोटी लेकर उसके लिए आभार धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ा और उनमें बांटते हुए कहा, लो ये मेरा शरीर है। इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया, उसके लिए धन्यवाद दिया, शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, ये वायदे का मेरा लहू है जो अनेकों के लिए उंडेला गया है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, दाख के इस रस को मैं अब से उस समय तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया रस न पीऊं। एक भक्ति गीत गाने के बाद वे जैतून पर्वत पर चले गए।
उनसे मसीह यीशु ने कहा, तुम सभी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे, जैसा कि इस संबंध में पवित्र शास्त्र का लेख है, मैं चरवाहे का संहार करूंगा और झुंड की सभी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु मरे हुओं में से जीवित होने के बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश पहुंच जाऊंगा। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, सभी शिष्य आपका साथ छोड़कर जाएं तो जाएं, किंतु मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ, आज रात में ही इससे पहले कि मुर्गा बांग दे तुम मुझे 3 बार नकार चुके होंगे। किंतु पतरस दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, यदि मुझे आपके साथ मृत्यु को अपनाना भी पड़े तो भी मैं आपको नहीं नकारूंगा। अन्य सभी शिष्यों ने भी यही दोहराया।